अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। एंड आज का दिन आई थिंक थर्सडे है और सेम उसी हिमालय होटल में आज हम लोग का डिपार्चर है टूवर्ड्स बाशो वैली। एक नई जगह अनएक्सप्लोर्ड है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन बहुत लेस ग्रीन विद रिवर और वाटरफॉल्स के साथ एक बड़ी खूबसूरत वैली है और हम लोग आज वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है, 3-3.5 घंटे का जीप का ट्रैक है। ये हमारे पीछे जीप्स खड़ी हुई हैं, इन पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स तक ये वाली गाड़ियाँ जाती हैं, फिर उसके बाद वो पुरानी जीप्स जो 70s 80s के मॉडल जो जीप होती हैं उनमें जाना है। देन उसके बाद वहाँ पे हमारा नाइट स्टे है, एक छोटा सा गेस्ट हाउस मिला है, वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। एंड देन उसके बाद कल सुबह अगेन वहाँ से वापस नीचे आएंगे स्कर्दू सिटी में, थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट। ये एक घंटा सफ़र करने के बाद गिलगित स्कर्दू रोड पे, ये आप देख सकते हैं पीछे ये वाला जो है ये गिलगित स्कर्दू रोड है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया काम हो रहा है। ये जब बन जाएगा तो ये ऐसा होगा गिलगित स्कर्दू वाला रोड। ये वाला पैच बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोड बन रहा है ये। तो इंशाल्लाह जो एक माइंड में था ना कि स्कर्दू जाएंगे ख़तरनाक रोड है, ये है वो है, वो अब ख़त्म हो जाएगा इस रोड के बनने की वजह से। एक घंटा चलने के बाद ये बाशो पुल जगह का नाम है आगे हुए हैं, चूँकि वो हमारे पास पराडोज़ है, वो ऊपर नहीं जा सकती हैं। अब ये वाली जीप ब्लू वाली जो है ये हमें लेकर जाएगी ऊपर बाशो। वो उधर ऊपर आप पीछे देख सकते हैं ग्रीनरी वाली जितना एरिया, ये बाशो वैली है ऊपर। We'll be right back.
फाइनली हम लोग वाशो वैली पहुंच चुके हुए हैं। ये पीछे इस जगह पे हमारी जीप और ये हमारा एक रूम है जो नॉर्मल सा है, नीचे मैट्रेस वगैरह बिछाएंगे एंड बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है वाशो वैली में। और यहाँ से अच्छा खासा मेरे सामने ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, नीचे वाशो रिवर चल रहा है एंड एक बहुत बड़ा ग्रीनरी का पैच है मेरे सामने। और मैं आपको सारा उसको डिटेल वाशो वैली का विजिट भी करवाऊँगा। धूप इवन की अभी निकली हुई है, अच्छी खासी तेज़ धूप है लेकिन फिर भी हवा में थोड़ी सी ठंडक है और ठंडक महसूस हो रही है। ये पीछे जो है ये हमारा रूम है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे आज की रात। ये हमारी गाड़ी है जिसपे हम लोग आए हैं। रास्ता अगर मैं कंपेयर करूँ फेरी मेडोज़ से, अगर आप लोगों में से कोई फेरी मेडोज़ गया हुआ है तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो टफ था उससे, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं था। एक पत्थरों वाला जीप का ट्रैक था तो जिसकी वजह से अच्छा खासा जो है ना वो हालत टाइट हुई हुई है हमारी। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जी वेलकम बैक। अभी दो घंटे रेस्ट करने सोने के बाद और लंच करने के बाद, लंच में कुछ ऐसा मिला तो नहीं अभी तक, लेकिन जो है फ्रूट्स थे जो कि मैं नीचे स्कर्दू से ही लेकर आया था, वो करने के बाद फिर एक घंटा दो घंटे थोड़ा सा रेस्ट किया, सो लिए। देन उसके बाद अभी नीचे जा रहे रिवर पे जो मेन एक अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का, वहाँ पे तो नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि वो जगह कैसी है।
जी, तो अभी रिवर क्रॉस करके इस तरफ आ चुका हूँ जो कि लोकल आबादी वाला एरिया है उस साइड पे, और चलते जा रहे हैं और मज़ा आते जा रहा है, चलते जा रहे हैं। ये आगे हुए हैं दूसरी साइड पे रिवर के, और वो पीछे उस जगह पे आप देख रहे होंगे ये वाली जगह जहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं और हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ये इधर ऊपर जगह है। और रिवर क्रॉस किया और पीछे से तकरीबन 1 किलोमीटर चले और रिवर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पहुँचे। ये एज़ कम्पेयर टू अदर साइड ऑफ द रिवर ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन जगह है और दरख्त वगैरह भी ज़्यादा हैं, छोटे छोटे पानी के पैचेस बीच में है, चलने में दुश्वारी होती है, लेकिन डेफिनेटली वो वही चीज़ें खूबसूरती को बढ़ाती हैं। और पूरा मेडो है सामने, देख सकते हैं पीछे, और वॉक करें यहाँ पे, बहुत मज़ेदार वॉक है। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर, और उसकी वजह ये है कि फर्दर वीडियोज़ नहीं बना सकूँगा आज के दिन में, गोप्रो की बैटरी जो है वो फुल ख़त्म हो चुकी हुई है, कार्ड मेमोरी फुल हो चुका हुआ है। अभी वापस जाऊंगा कर दूँ, लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर उसमें डाटा ट्रांसफ़र करूँगा, देन आगे फर्दर वीडियोस बनेंगी। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं बाशु वैली स्कर्दू से। देखते रहिए, आपको गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़बरदस्त जगह देखने को मिलेंगी थ्रू माई वीडियोज़। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ कर देखिए, और उसके थ्रू अपना ट्रिप प्लान कीजिए। आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली एरिया के बारे में, बाशु वैली स्कर्दू या किसी भी एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कमेंट में लिखिए, और या मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल कीजिए, मैं आपको रहनुमाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घूमते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, एक्सप्लोर कीजिए, गंदगी ना कीजिएगा, बस जहाँ भी जाएं कोई कचरा ना फेंकें, एक शॉपर अपने साथ रख ले, उसमें सारी चीज़ें रखें और वापस जाके वो किसी डस्टबिन में जो है ना वो डंप कर दें। ये एरियाज़ बहुत